दूसरा आज मैं मेरे साथ 15-20 दोस्त थे, हम अभी इफ्तिताह करके हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मरकज ब्लॉक में आर्च के सामने, क्योंकि वहाँ अब दुनिया बहुत आ जा रही है तो उनके लिए पानी पीने का इंतज़ाम, वो हमने आज वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। और अब उसकी बैक साइड पे हम चंद दिनों में मैं पब्लिक टॉयलेट्स का इफ्तिताह करने आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जो फैमिलियाँ आती हैं तो उन्होंने अगर किसी साफ सुथरे वाशरूमों के फाइव स्टार अगर उन्होंने वाशरूमों में जाना है तो उनकी भी फैसिलिटी के लिए हम बना रहे। कहने को ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बड़ा मैटर करती हैं। और उसके सामने आपको पता है जामिया मस्जिद हज़रत तहरीर रिज़वानुल्लाह अन्हु हुआ, जिसमें 22,000 से 25,000 नमाजी एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं, वो कितनी तेज़ी से बन रही है। हालांकि इससे पहले बीबी फातिमा वाली मस्जिद जो है बनी हुई है, वो खुली है, जुमा उसमें हो रहा है, जो हमारे कारी साहब बैठे थे उसी मस्जिद के इमाम। लेकिन हम तो काम नहीं रोक रहे, ओवरसीज ब्लॉक पे आ जाए। ओ भाई, ओवरसीज ब्लॉक आपके मरकज में आ रहा है तो उसकी लोकेशन कभी देखना। आज आपको ट्रिप लगा रहे हैं लेकिन आज तो हमने पुरानी स्कीम का रूट लिया, उसके करीब से ही जा रहे हैं। आप किसी वक्त अपने दोस्तों के साथ आए उसका भी इलाज देखें कि ये ब्लॉक से शुरू हो रहा है, मैं अभी उसका नक्शा दिखाता हूँ, और आबादी के अंदर तक जा रहा है। उसके और आबादी के दरमियान कोई जगह नहीं बचेगी, अगर कोई 150 कनाल जगह हुई भी तो वो उसी ओवरसीज ब्लॉक का एक हिस्सा बन जाएगी। और उसको हम ठट्ठा गली रोड जो लोकल लोग हैं समझते हैं, दो जगह से कनेक्ट कर रहे हैं। एक जगह से तो हमारी अपनी ज़मीन है जो हमने खरीदी हुई है, लेकिन एक और भी जगह है जहाँ से 40-50 कनाल का टुकड़ा है, वो कोई दोस्त मुझे लेने आया था तो उसने मुझे खुद ही प्रपोजल दी मेरी ज़मीन ले ले। मैंने कहा आपकी ज़मीन का मुझे क्या फ़ायदा, कहता जी आप इधर से भी कनेक्ट हो गए। जब मैंने नक्शा निकाला तो वो वाकई ठीक कह रहा था। तो यानी आप हार्ट ऑफ द टेक्सला जा रहे हैं, आप वादर कॉलोनी के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं। तो हमने उस ब्लॉक की देखे डेवलपमेंट, उसकी लैंड खरीदना, उसका कब्जा लेना, अब करोड़ों रुपया डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहे हैं। आप बताएं कि हमने ओवरसीज ब्लॉक का एक प्लॉट बेचा तो क्या यार हम नहीं काम कर रहे? ये मेरा कहने का मकसद है कि हमने एक ऐसे ही अपना काम न करने को हवा बनाया तो क्या आपके बच्चों का हर माह का बिजली का बिल नहीं आता, आपके घर का ग्रॉसरी का बिल नहीं आता, गैस का बिल नहीं आता, आपके पास गाड़ियां पेट्रोल नहीं है? तो जब हर माह आपने खर्च करना है तो आपने हर माह हर हाल में जब खर्च करना है तो हर माह हर हाल में आपने कमाना भी है। उस तरफ हमारी जो मेरा कहने का मकसद है कि हमारी तवज्जो कम है। इतना खूबसूरत यार ये नहीं कि मेरा प्रोजेक्ट है, हर तरफ से आबादी और मुवासलात के सिस्टम के ऊपर है। तो इसलिए जब आप किसी भी सोसाइटी में या सिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब आप उसकी लोकेशन देखते हैं कि यार ये जो शहर है ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये आबाद होगा, तो क्या इसके इर्द गिर्द कोई शहर या कोई आबादी है? आप देख रहे हैं इसके साथ एक मिनट की ड्राइव पे 15-20 लाख की आबादी मौजूद है। और तो जो आबादी से 90-90 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर 35-35 किलोमीटर दूर कॉलोनियाँ बनी हैं वो कैसे बात होगी? आप इधर देख लें, हमारे बिल्कुल साउथ पे बाबडा टाउन है, उस पर लिखा हुआ है मोटरवे पे जब जाते बाबडा टाउन इस्लामाबाद। आपको पता वो कब की सोसाइटी है? 1985 की सोसाइटी है जब उन्होंने अनाउंस की थी। 1990 में तो उन्होंने डेवलपमेंट कर ली थी। कितने साल गुजर गए? 3 घर नहीं है, बिल्कुल आपके साथ है। तो जो उससे 50-50 किलोमीटर आगे हैं वो भाई जब बेचनी होती है वो मैं अभी बात कर रहा था, वर्दी वाले भी खड़े हैं, खजूरें भी लगी हैं, लाइटें भी जा रही हैं, जू भी बन गए, फुटबॉल ग्राउंड भी बन गए, सारा कुछ बन गया। जब बिक जाती है रातों रात जू भी गायब, ग्रीन एरिए भी गायब, और वो वर्दी वाले भी गायब, खजूरें भी गायब, हर चीज़ गायब। और अब ना कोई सोसाइटी का पुरसा निहाल। ओए आप तो 25-30 साल से ये काम कर रहे हैं, कब से मैंने E11 बनाया, लोग कब से रह रहे हैं? वो अभी भी उसी तरह चल रहा है, F17 उसी तरह चल रहा है, D17 आपका चल रहा है, फैसल टाउन आपका चल रहा है। बताएं फैसल टाउन हमने बेच दिया, लोग अब तकरीबन वो आबाद हो रहे हैं, क्या उसमें डेली बेहतरी से बेहतरी आ रही है या वो नीचे से चीज़ें गायब हो रही हैं? फैसल हिल में डेली से डेली बेहतरी आ रही है या चीज़ें कम हो रही हैं? तो ये मेरा कहने का मकसद है कि आप भाई लोगों की 3 चीज़ों को जरूर देखें कि उसकी जो लोकेशन है वो कैसी है। आप देखें एक तरफ KT रोड है,
एक तरफ मोटरवे है, जब मोटरवे की कनेक्टिविटी आती है तो साथ ही एयरपोर्ट है, साथ ही डीआई खान मोटरवे है, साथ ही पिशावर है, साथ ही लाहौर है, और साथ ही रिंग रोड है, और साथ ही जो अपना एबटाबाद वाली मोटरवे है, सारी आपकी हाईवे आपके साथ जा रही है। हरीपुर का बाईपास आपके गेट के सामने से गुजरा है, मार्केला रोड आपसे 2 मिनट की ड्राइव पे है। तीसरी चीज़ कि वो आबादी से कितनी दूर है, आपकी स्कीम आबादी के ऊपर है। दूसरा, वो प्रोजेक्ट बनाने वाला ग्रुप क्या है, क्या वो उसके ऊपर पैसा लगा रहा है, दिन पे दिन वो चीज़ें बना रहा है जो उसने वादा भी नहीं किया। हमने आर्च का वादा तो आपसे नहीं किया था, हमने इस तरह के रूट स्कूल बनाने का वादा तो नहीं किया था, हमने फैसल जूल बनाने का वादा तो नहीं किया था, तो हम वो चीज़ें भी बना रहे हैं जो हमने वादा नहीं किया था।